रियल गैस जो है ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है तो ये आपका कितना फॉलोअप करती है रियल गैसेस कितना नहीं करती ये मतलब स्टडीज का एक पार्ट रहता है। तो आपका जो है नॉर्मली साइंटिस्टों ने ग्राफ्स खींच के देखे जैसे यहाँ पे पीवी ले लिया या वी ले लिया रूम टेम्परेचर की कंडीशन ले ली यदि ये आइडियल गैस है तो दिस वन इज रियल गैस। तो ये आपके रियल गैसेस क्या आते थे और यदि आप रूम टेम्परेचर पर आपकी जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम इस तरीके की हाँ यदि आप टेम्परेचर काफी लो कर रहे हैं तो आपकी जो है हाइड्रोजन हीलियम भी इसी तरीके से बिहेव करेंगी। तो बहरहाल जो है आपका ये आपने देखा कि भाई जो रियल गैसेस हैं ये मतलब आइडियलिटी की बिहेवियर काफी नहीं करती और डेविएशन शो करती है और जो आपका लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ठीक है गैस रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। और आपका जो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर तो आपका रियल गैस जो होती है वो मैक्सिमम डाइवेशन आपका शो ये साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट से आपके ऑब्जर्व करी है। और इसके बाद जो है अब ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जो है वो हर कंडीशन में इक्वल नहीं आ रहा है तो इसको इक्वल बनाना है और आगे फिर हमें गैसेस के बिहेवियर्स को डिस्कस करना। तो आपकी जो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी ये रियल गैस फॉलो नहीं करती है कंडीशन में इसके इक्वल नहीं है और इसके इक्वल बनाना है भाई जैसे आपका एक नंबर मान लीजिए 1/2/3 है और यहाँ पे 3/2 है तो इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए इसमें क्या करें इसी चीज मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हमारा वो जेड है जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4/9 हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं आपका तो यहां भी हमने क्या करा ईवी इज इक्वल टू जेड एन आर टी बना जेड क्या होगा आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या था वी आइडियल और ये क्या था वी
रियल, ठीक है। तो अब बाकी यदि आप प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन और नंबर ऑफ मोल्स की कंडीशन सेम ले ले और इसको इक्वेशन वन मान ले, इसको इक्वेशन टू मान ले, टू इज डिवाइडेड बाय वन कर दे, तो आपका जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका वी रियल अपॉन वी आइडियल, ठीक है ना। तो आपका जो है ये आ जाएगा, या जो है आप तो ये आपका इसे आप वी मोलर ले लीजिए रियल गैस का मोलर वॉल्यूम, या वी मोलर आइडियल गैस का ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका जेड जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो जाता है। और यदि आप वी आइडियल की इसमें रख दें वैल्यू तो जेड क्या हो जाएगा आपका, बी रियल इंटू पी बाय एनआरटी, ठीक है। ये आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के आपके जनरल फॉर्मूला। देखिए रियल गैस जो है थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसमें अक्सर जो यदि आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है तो आप क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लोगे, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही मोस्टली बनते हैं। तो बिल्कुल इजी इजी बातें हैं, बस आप थोड़ा ढंग से करेंगे तो इजीली ये सब चीजें आपकी कवर अप हो जाएगी। तो अब जो है हम आगे डिस्कस करेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी जेड जो है फैक्टर, ये आपका प्रेशर के साथ और टेम्परेचर के साथ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए एट सेम टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, और आपका जो एक गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर जेड कैसे वेरी करता है, तो इसको डिस्कस करेंगे। ये आपका एक रियल गैस का जो है प्रेशर के साथ किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट गैसेस लिए हमने, हाइड्रोजन नाइट्रोजन मीथेन सीओ टू 273 केल्विन पे ये वेरिएशन हमने दिखाया। तो इस वेरिएशन में आपका फर्स्ट तो ये है कि जो रियल गैस होता है आइडियल गैस होती है, उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड वन, और z less than 1 भी हो सकता है, greater than 1 भी हो सकता है, equal to 1 भी हो सकता है। और room temperature पे hydrogen के लिए z जो है आपका always greater than 1 है, और nitrogen methane और CO2 के लिए आप पहले देखेंगे कि z जो है decrease हो रहा है, ठीक है, pressure increase होने के बाद फिर जो है धीरे धीरे वो increase कर रहा है, और एक आपका value पर जो है ये वन के भी इक्वल हो जाता है, और फिर बहुत हाई प्रेशर करने पर जेड जो है वन से ग्रेटर भी होता है। तो इससे हमारे बहुत सारे मतलब कंक्लूजन साइंटिस्टों ने निकाले, पहला तो ये निकाला कि भाई यहाँ पर जो है दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दो वर्क है, जब आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है तो आपका जेड नेगेटिव होता है, जब फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने शुरू हो जाते हैं। इस पॉइंट पर जो है जो वो आइडियल की तरह बिहेव कर रहा है उस पर जो है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इक्वल हो जाते हैं, उसके बाद वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो रियल गैस है वो आपकी इस तरीके करती है, और जिस गैस के लिए जितना ज़्यादा ये डिप होगा वो गैस उतनी ईजिली लिक्विफाई हो सकती है। CO2 आपकी बहुत इन तीनों में सबसे ज्यादा इजीली लिक्विफाई हो जाती है, उसका मीथेन, उसके बाद आपकी नाइट्रोजन, यानी इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो CO2 का ज्यादा होगा, फिर मीथेन का ज्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। तो ये सब कंक्लूजन इन ग्राफ से निकल जाते हैं। इसके बाद जो है हम जेड का डिस्कशन करेंगे विद टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को वेरी करने के साथ साथ आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किस तरीके से बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो है हमने नाइट्रोजन गैस को लिया गया है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, ठीक है, तो उसमें जो जेड है उसको देखा है। तो आपने देखा जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो नीचे का डेविएशन था वो डिक्रीज करता है, ठीक है। नॉर्मली देखिए गैसेस को हम लोग 180 एम या 1080 एम या 28 एम पर लेते हैं, 500 और या 2080 एम या उस तरीके की चीज़ों में डील नहीं करते। तो इसलिए नेगेटिव डेविएशन इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन का, पॉजिटिव डेविएशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसके
इसकी एक बार हमने स्टडी करी है तो उसके अंदर कई सारे कंक्लूजन और भी पता चलते हैं और आगे भी और भी कंसेप्ट पता चलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है ये आपका डाइजेशन टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होता और उसके बाद जो नेगेटिव डाइजेशन है बहुत हाई टेम्परेचर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके आपके जो है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपके उनके ग्राफ खींचे। तो मतलब इसलिए जो रियल गैसेज है एट हाई टेम्परेचर आइडियल गैस की तरह ज्यादा बिहेव करने लगता है।